कुल्लू जिला मुख्यालय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान मार्क्सवादी पार्टी के जिला महासचिव होतम सिंह सोंखला की अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों, बागवानों व मजदूरों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार पर बजट में आम आदमी की अनदेखी का आरोप लगाया। हमारी पार्टी ने आह्वान किया था 22 से 28 फरवरी तक पूरे देश के अंदर ये जो गरीबों के रोजी रोटी पे हमले हो रहे हैं, जो 1 फरवरी को बजट पेश किया सरकार ने, जो आम जनता विरोधी, उसके खिलाफ अभियान व विरोध कार्रवाइयाँ करनी है। उसी संदर्भ में आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम कहना चाहते हैं कि लगातार आम लोगों की रोजी रोटी पे हमले हो रही है। आज एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफेम की कि 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपदा है और जो निचले पायदान में जीने वाले 50% है उनके पास देश की कुल 3% संपदा है। लेकिन हैरानी इस बात की है, जिसके पास 40% संपदा है वो मात्र 3.2% कर देता है और जो 50% लोग हैं, 3% पे उनका स्वामित्व है जो संपदा पे, वो 4.2% टैक्स देता है। इससे साफ नज़र आता है कि ये जो सरकार है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ा रही है। और दूसरा ये आया है, अभी आपने देखा होगा अडानी ग्रुप का, जिस पे सरकार मौन है। हिंडनबर्ग सर्च की रिपोर्ट आई है और हमारी मांग है उसकी जाँच की जाए और जब तक वो जांच ना हो हमारे देश की जनता की हिफाजत किया जाए। क्यों? LIC का लगभग 80,000 करोड़ रुपया उसमें लगा है, अदानी ग्रुप की कंपनियों में, और जो बैंकों से ऋण दिया जाता है अदानी को दिया गया है, कुल बैंकों का SBI से 40% ऋण वो जो दिया गया है। और ये जो शेयर डाउन हुआ है अदानी ग्रुप का, उसका आम जनता का जो पैसा रोजी रोटी जिंदा रखने के लिए उन्होंने जमा 30% जो है बजट की कटौती की है। खाद्य सुरक्षा जो बोर है कि हम राशन देते हैं उसमें 29% कर दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे 34% और 35%। और किसानों का हितेशी बनने की बात कर रही है सरकार, ये जो किसान सम्मान निधि है उसके बजट में जो है 17.16% की जो कटौती की है इस बजट के अंदर, और जो सिंचाई के साधन के ऊपर उस पर कटौती है। तमाम जो जितने भी आम जनता के लिए बजट बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो जो पेश किया 1 फरवरी को बजट, उस बजट के अंदर तमाम की तमाम कटौतियां की गई है। और साफ नज़र आ रहा है इस देश के जो बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, उन्हीं लोगों के पक्ष का ये बजट बना है। और ये हमारी पार्टी जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। हम मांग कर रही सरकार से, अभी जो बजट आपने पेश किया है उस बजट में तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी करें ताकि किसान को, मजदूरों को, हर किसी को इसका फायदा हो। और इस बजट से ऐसा लग रहा है कि ये जो आर्थिक बोझ जनता के ऊपर और पड़ने वाला है, जिस रूप से जनता के तमाम बजट में कटौती की है, इसलिए हमारी पार्टी आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर ये विरोध कार्रवाइयाँ कर रही है। और हम बोल रहे हैं मोदी सरकार मात्र इस देश के जो बड़े लोग हैं, अडानी जैसे लोग हैं, उनके लिए ही काम कर रही है, आम जनता के लिए नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं बजट की जहाँ तक बात की, आप जानते हैं जब ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना लाई गई थी, उसी के नज़रिए से कि जब बजट ही नहीं देंगे तो उस तरह की भर्तियां होंगी। अभी ये बजट में जो कटौती की है ये तमाम उस पर की है। अभी मैंने कुछ चीज़ें गिनाई है, सिंचाई के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में, सारी जो उर्वरक जितनी भी थी आपको सब्सिडी मिली उसमें 22% कटौती की है। आज ही संकट है खाद का हर उस क्षेत्र के लिए, और ये पहले से योजना उस तरह की तैयार करी, जैसे आप रक्षा की बात कर रहे हैं, वो अग्निपथ योजना ऐसे नहीं लाई गई है, इसलिए वो 4 साल की नौकरी है, 4 साल की योजना अग्निपथ वीर जो भर्ती का, ये तमाम चीज़ें हैं। सरकार जो है कुछ पूंजीपति के हाथों में इस देश को बेच रही है और लगभग ये बेचा गया है, और इसका हम कड़े शब्दों से विरोध करते हैं। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।